प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य लोगों तक पहुँच पाए और लोगों को हम सावधान कर पाए, सुरक्षित रख पाए हर एक प्रकार के गलत बातों से। बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, जैसे हम सच्चाई की बातों को शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें गलत शिक्षाओं को खंडित करना है और उसी के वजह से लोगों को भी सावधान करना है। और यही चीज़ इन दिनों में हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे सच्चाई का प्रचार करते हैं, बहुत ज़रूरी कि उन सच्चाई के प्रचार को भी फैलाएं। अगर आप हमारे वीडियोस को सुनकर गलत बातों से अगर आप बाहर निकले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप यह वीडियो आप लोगों तक भी पहुंचाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बांटना चाहते हैं कि 5 कारणों से आप पास्टर डैनियल राज को नहीं सुनना चाहिए। इसके 5 कारण हैं, ठीक है। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे और आप उन वीडियोज़ को देखना और आप खुद सोचना। आपके ऊपर डिपेंड है प्रियो कि क्या करना है। हम आपके सामने चीज़ों को रख रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर है कि आप इन 5 कारणों को सुनने के बाद आप सोचना, विचार करना, उसके बाद आप अपना निर्णय लेना। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मैटर सॉल्व नहीं हुआ, आज भी लोग ट्रायून गॉड के ट्रिनिटी के ऊपर आज भी लोग बिलीव नहीं कर रहे। तो जब बहस वहां हुई थी तो वहां पे खत्म होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि बहस और आर्ग्यूमेंट और डिबेट सोल्यूशन नहीं है। बात को समझना है, आत्मिक लड़ाई है और वो भी शैतान के साथ में। ये आत्मिक लोग ही समझ पाएंगे। ये है ना, ये ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा है, ये सब्जेक्ट को नहीं समझ रहा है, ये चीजों को नहीं समझ रहा। अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा ये किस तरह का साइको। और दिखा तो देखिए जी। सर लोग आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीसस के डिविनिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड चर्च को लेना पड़ा, एक ग्रुप को लेना पड़ा ट्रिनिटी को डिफेंड करने के लिए, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स को डिफेंड करने के लिए। उस टाइम पे भी इमोशनल गैंग हुई होगी, आपस में मत मेरे शैतान को मजा आता है। आज अब आपको कैसा लग रहा है ये जो अभी हरकत किया, ये आपको कैसा लग रहा है? ये नहीं है साइको। मसीहत को, मिनिस्ट्री को किस लेवल पे ले जा रहा है, मजाक के तौर पे। अब आप खुद ही सोचिए, उस वक्त में इमोशनल ये नहीं था तो जो लोगों ने जाने दी वो क्या था? वो इमोशनल नहीं था उनका प्रभु के प्रति। अच्छा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो यहां पे क्या था? इमोशनल नहीं था। लाजर की कब्र पे यीशु रोया, तो क्या वो इमोशनल नहीं था? परमेश्वर आज हमसे प्यार करता है, जगत से प्यार करता है, धीरज रखा है, ये कहता है इमोशनल है ही नहीं। तो मतलब परमेश्वर क्या रोबोट है? पागल, परमेश्वर क्या रोबोट है? परमेश्वर व्यक्ति है ना, पर्सनैलिटी है ना, परमेश्वर जानता है कि क्या चीजें होती है। ये कहता है कि उस वक्त में इमोशनल चला होगा, ये शैतान की लड़ाई। कम ऑन, ये कैसे बोल सकता है? मैं भारत के सभी मिनिस्ट्री को इस वक्त में, जहां जहां ये वीडियो पहुंचेगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर इस व्यक्ति को आपको कुछ करना होगा, नहीं तो मसीह समाज में ये व्यक्ति साइको, जिसको मैं वापस कहता हूं, ये पूरी तरह से खराब करेगा। कल से तो हम इसके अगेंस्ट में कैंपेन चला रहे हैं और बाकी जो करना है वो करेंगे। अभी आगे सुनिए। काफी सारे जो गैंग है आपस में जो है लड़ने लग गए, आपस में जो है वो वाद विवाद कर रहे हैं। नहीं, अभी ये क्या कर रहा है फिर? ये खुद क्या कर रहा है? मैं तो चुपचाप कर रहा था ना सेवा, मैं किसी के इसमें नहीं गया ना, मैंने किसी के फटे में डांग नहीं डाली ना, तो इसको क्या जरूरत थी? ये आया ना अभी बीच में। सी, अब आप देखो किस तरह का साइको है। आगे सुनो। ये उन्हीं को ये थॉट आती है, ये उन्हीं को सोच आती है जिनको पहले चर्च हिस्ट्री नहीं पता है। तो अभी इसने कन्फेस किया, ये उन्हीं को आती है जिनको चर्च हिस्ट्री नहीं पता। तो बेटा तेरे को नहीं पता इसका मतलब? सी, ये खुद कन्फेस कर रहा है। आगे सुनिए। डैनियल राज हैं और जितने भी डैनियल राज जैसे उनके फॉलोवर्स हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहता हूँ, अर्ली चर्च को पढ़ो। अभी सुनिए इसने क्या कहा, डैनियल राज और डैनियल राज जैसे फॉलोवर्स। तो हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। हम जो मुझे, मेरे साथ में लोग हैं, वो किसके हैं? प्रभु के, परमेश्वर के। हम सब क्या है? एक मसीह के दें। ये फिर क्या करने की कोशिश कर रहा है?
ये टोटल सेपरेट कर रहा है परमेश्वर को, खुद को और हमको जो परमेश्वर के लोग हैं। अब आप देख रहे हैं इसका डायलॉग बाजी क्या है, आप इसका माइंड रीड करिए आप, और ये किस तरीके का कार्य कर रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा। नाउ आगे सुनो जी, किस प्रकार वहां पर वो अपने शिक्षा को परखते थे, किस प्रकार वो इवैल्यूएट करते थे, डिस्प्यूट करते थे। सो अर्ली चर्च वाज रेडी टू डिस्प्यूट, परखते थे ना, तो कौन परखेगा। आपने इस वीडियो को देखा होगा, इस वीडियो में उनकी जो भाषा शैली है आप उन पर गौर करिएगा, वो किस प्रकार बात करते हैं, उनका प्रत्युत्तर किस प्रकार है। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति गलत सिखा रहा है उनके बारे में बात करना गलत बिल्कुल नहीं है, उनके बारे में अवेयरनेस लाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम उन बातों को लोगों के सामने नहीं रखे तो बहुत सारे लोग जो है उन बातों को नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ना कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी परिभाषा देखे कैसे, वो साइको, मूर्ख, पागल, वो इसी प्रकार का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, मत्ती की किताब अध्याय 5:22 में साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने भाई को या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अगर अरे मूर्ख कहकर अगर कहते हैं तो वो नर्क के आग के योग्य ठहरते हैं, यानी वो नर्क के योग्य ठहरते हैं, लेकिन ये उन बातों को नहीं मानते, वे जिसे चाहे उसे वो गलत प्रकार का वाद विवाद करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। एक जगह पर ये कहते हैं कि तक्र करने से, वाद विवाद करने से कुछ नहीं होता है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में ही यह कोई भाई इनको फ़ोन करता है या ये उनको फ़ोन करता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि आप इनसे वाद विवाद करने के लिए आप इन्हें न्योता दे रहे हैं, आप इनसे वाद विवाद करें, देखें ये क्या कहता है। प्रियो, एक जगह पर यह व्यक्ति कहता है कि वाद विवाद नहीं करना चाहिए या डिस्कशन नहीं करना चाहिए या तक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे जगह पर यह स्वयं लोगों को उकसाता है कहने के लिए। जब आप उस फोन के बातचीत को सुनोगे आपको पता चलेगा कि पास्टर डैनियल राज उसे सवाल पूछते कि आपको क्या लगता है इस व्यक्ति के बारे में कि ये मसीह है या नहीं। वो बहुत सारा चीज चाहते थे कि वो जो भाई बात कर रहे हैं फोन पे कि वो उनसे कहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये सेवा करते हैं, ये अच्छी बातें करते हैं और भी ढेर सारी बातें। प्रियो, ये अपने आप को कहते कि ये प्रभु के संतान है, तो क्या वो भाई प्रभु का संतान नहीं है। बताया था, लेकिन फ्रांसिस जो है जबरदस्त में जो है गलती निकाल कर उसको जो है गलत तरीके से पेश करके जो है हर बात का गलत मतलब जो है ना फ्रांसिस उसमें निकाल रहा था। बाकी उसके पेपर में एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि पास्टर का ये स्टेटमेंट टोटली गलत है करके बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में जो है उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया, आपके हिसाब से जो है एग्जांपल दिया, लेकिन उन्होंने भी जो है उसको बोल दिया कि वचन को जो है सांसारिक बातों से हम लोग उदाहरण नहीं देना चाहिए करके इस तरह बता रहे। तो मतलब उनका जो बातें थी जो भी है सब बेमतलब की है जी। बिना मतलब की जो है ना कमेंट करता है, बिना मतलब के खाली वीडियो बनाता है, उससे कुछ फायदा ही नहीं है। और उसके पास टॉपिक होता कि पास्टर डैनियल ने टीचिंग गलत है करके ऐसा कोई वीडियो उसके पास नहीं है, ऐसा अच्छा। कोई सब्जेक्ट उसने बात भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने 2 घंटा जो है अपना मोनिश पास्टर से उनसे ही बात किया, उसमें भी हम देखेंगे तो वो यही बताना चाहता है कि पास्टर को इस तरह प्रचार करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए करके बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये डॉक्ट्रिन गलत है, ये शिक्षा गलत है करके नहीं बता पा रहा है। अच्छा हाँ, तो मुझे पूरा फ्रांसिस का जो है टोटल मेरे को यही मालूम पड़ा कि बस वो बड़े बड़े लोग का फोटो लगा के वीडियो बनाने का, बाद में वीडियो अपलोड करके भाग जाने का, बाकी कोई सामने आ जाओ बोले तो फिर आता नहीं है। ओके, नाउ राजेश आपको और एक चीज पूछता हूँ, बहुत केयरफुली सुनना, और जितने लोग अभी देख रहे हैं मैं आपको भी कहता हूँ आप लोग भी केयरफुली सुनिएगा, ये अपलोड हो जाएगा फिर से सुन लेना, ठीक है ना। राजेश, आपके हिसाब से आपकी जो भी मैच्योरिटी है, आप जितने भी साल से प्रभु में हैं और आप जो भी बाइबल पढ़ते हैं, आपको फ्रांसिस को स्टडी करके आपको क्या लगता है कि इसका माइंड कैसा है, मतलब इसकी जो सोच है, इसकी जो माइंड है, इसकी जो क्या कहते हैं ना नेचर, वो आपको मसीह वाला लगता है या क्या लगता है, जरा उसके ऊपर बताइए। मुझे तो ये लगता है इसकी फ्रांसिस को जरा सिर्फ तर्क करने की आदत है। ओके,
तर्क करने की आदत है, मतलब हर एक बात का जो है गलत मतलब निकालना, हर एक विषय का जो है गलत मतलब निकालना, लेकिन वो जो है कोई भी चीज है सही है गलत है करके बात नहीं करता, लेकिन हर चीज का जो है ना तर्क करता है सिर्फ वो, मतलब हर बात का गलत मतलब निकाल कर जो है लोगों को जो है ना प्रेजेंट करते रहता है। जैसे कि उन्हें अपना वोमेन पास्टर बन सकता है क्या नहीं करके उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया, तो उसमें उनका जो है एक भी रेफरेंस उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि जहां पर लिखा है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती करके एक भी रेफरेंस उन्होंने पूरे स्टेटमेंट में दिया ही नहीं, किधर उनके वीडियो में दिखाई नहीं, तो मतलब वो वीडियो फेल हो गया आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से वो वीडियो फेल हो गया, मतलब उसको हम टीचिंग में गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेफरेंस नहीं रख पा रहा है, जो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो वो तो फेल हो गया, राइट? ना, दूसरा राजेश भाई, जब आप इसको स्टडी करते हो, आप जब इसको देखते हो यूट्यूब पे फेसबुक पे, आपको ये किस तरह का लगता है, ये किस तरह का लगता है आपको? मतलब मेरा पूछने का मतलब है, ये विश्वासी लगता है या अविश्वासी लगता है? मतलब उसके अंदर देखे तो कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे कि सेवकाई भी करता है अच्छा, फिर लोगों के बीच में भी जाता है, लोगों को प्रचार करता है, ये सारी बातें उसके अंदर अच्छी है। हाँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस तरह बड़े बड़े लोग को जो है बिना मतलब का उनके ही पीछे लग जाना, उनके बारे में बताते रहना, उनके ही पीछे उल्टा पुल्टा हमेशा यही जो है ना काम करते रहता है, लेकिन जब ये सामना करने की बात आता है तो सामने आता ही नहीं है। तो इस तरह मुझे उनका माइंड ये लगा कि उसको सिर्फ तर्क करने की बीमारी है। ओके, नाउ राजेश, क्या आपने कभी, या मैं चाहता हूं कि अभी जो सब लोग सुन रहे हैं, आप फ्रांसिस को ओपन डिबेट चैलेंज फेस टू फेस आप देना चाहते हो? यस यस, जो उन्होंने दो पेपर बनाया था ना, उस विषय में मैं 100% करने के लिए तैयार हूँ। ऑलरेडी मैंने जो है, मैंने जो वीडियो बात किया था उसमें भी मैंने जो है ना ओपन चैलेंज भी किया, चाहे तो इस पे बात कर सकता है करके मैंने उसे वीडियो में बात किया है। Okay. रेडी है तो मैं रेडी हूँ उस पे। ओके ओके, तो फ्रांसिस और जितने लोग उसके हैं और अभी जो लोग सुन रहे हैं, आप सभी को फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप सभी को राजेश आपका पूरा नाम? राजेश नरसिम्हलू। ओके, राजेश नरसिम्हलू। ओके, आप आंध्र प्रदेश से, राइट? यस, समझ में आता है। सो राजेश नर क्या क्या वापस बोलो? नरसिम्हलू। ओके, नरसिम्हलू का चैलेंज है फ्रांसिस को, ओपन डिबेट चैलेंज, वो भी फेस टू फेस। जी, मैं चाहता हूँ कि फेस टू फेस, राइट? अब इसकी हिम्मत देखते हैं ये आपको क्या जवाब देता है, ठीक है? चलिए राजेश जी, थैंक यू सो मच। प्रियो, इन चीजों से आपको जानने की जरूरत है, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो इनके मार्गदर्शन में चलते हैं, सेम टू सेम उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये आए दिन अपने अपने पास्टरों को बुरा भला कहते हैं, सेवकों को बुरा भला कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, परंतु ये लोग मन भटकाने का काम कर रहे हैं, और उसी के वजह से इन्हें सुनना नहीं चाहिए। अगर आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उन्हें अनसब्सक्राइब करना है और आप उन्हें अनफॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप उन चीजों पे फोकस करोगे, आपका स्वभाव भी वैसे ही बनते चले जाएगा। जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आपकी मर्जी जैसे चाहे वैसे कमेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, और मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं, ठीक है? लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, लोग आपसे वार्तालाप करते हैं, लोग बातचीत करते हैं, लेकिन मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आप स्वयं सोचकर देखिए, जब आप इनके संपर्क में नहीं थे, इनको नहीं जानते थे, तब आपका लाइफ कैसा होगा? हो सकता है कि आप क्या कहते हैं ना, ज्ञान से भरते होंगे, लेकिन बुद्धि आप में नहीं भर सकती, क्योंकि बुद्धि यहोवा की ओर से आती है। प्रियो, आपके नेचर को आप चेक करें, आप कैसे हम्बल हुआ करते थे, आप में सीखने का भूख प्यास हुआ करता था, आप सीखने के लिए वचनों को सुनते थे, पढ़ते थे और प्रचारों को सुनते थे, लेकिन आज आप सुनने के लिए या सीखने के लिए आप प्रचार नहीं सुनते हो, परंतु दूसरों पर दोष लगाने के लिए और दूसरों की कमी घटी निकालने के लिए आप प्रचार सुनते हो। इसीलिए ऐसे लोगों को सुनना बंद करें। ये मेरा पहला कारण था कि आप उनकी परिभाषा को देखें, उनकी परिभाषा को चेक करें, उनका लैंग्वेज चेक करें, और उसके बाद सोचे कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। ये दूसरा, पांच बातों में से ये दूसरी बात है कि आप
उनके उदाहरणों को देखें, वो जिस प्रकार उदाहरण देते हैं। आइए पहले ये वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। गुप्त जीवन विश्वासियों का एक खिनौना सच। पास्टर डेनियल, ये विषय या ऐसे विषय आपको कौन देता है? मुझे ऐसे विषय मेरी बुद्धि नहीं देती, यूट्यूब पर किसी का किया हुआ प्रचार नहीं देता। डंकी की चोट पे तब से अब तक 2 साल से या उससे भी पहले आपने मेरे किसी भी प्रचार को अगर सुना होगा, उठा कर दिखा दीजिए कि डैनियल राज का कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक किसी दूसरे प्रीचर से मैच करता हुआ मिल जाए। नहीं मिलेगा। ओके, फिर प्रश्न उठता है कि आपको मैसेजेस देता कौन है? मुझे टॉपिक, मैसेजेस, विषय, प्रकाशन, एग्जाम्पल्स, स्क्रिप्चर्स, प्रकाशन, रेवलेशंस पवित्र आत्मा देता है। मैं हमेशा कहते आया हूं, पूरी दुनिया में 99.9% लोग सीक्रेट लाइफ से बिना बाहर निकले ही दम तोड़ देते हैं। वो नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। वो स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आज छोड़ दूंगा पॉर्न वीडियो, कल छोड़ दूंगा, आज नशा आखिरी बार है, दारू आखिरी बार है, ये सिगरेट का आखिरी पैकेट है, ये तंबाकू का आखिरी पैकेट है, मैं खुद से वादा कर रहा हूं कल से नहीं पीऊंगा। लेकिन वो लड़ता रहता है, वो आखिरी दिन कभी नहीं आता, वो लास्ट डे कभी नहीं आता। माय गुडनेस, 31st नाइट, अगला साल का आखिरी दिन, रात को पुतला जलाते हैं, उसके हाथ में दारू की बोतल, सिगरेट का पैकेट, सिगरेट हाथ में होता है और कहते हैं कि इसको जलाओ रात को 12 बजे। बोला क्यों? अगले दिन हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको पता है, जिसने वो पुतला बनाया होता है, जिसने उसके हाथ में दारू दी होती है, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट दिया होता है, वो खुद ही 12 के बाद सुबह 4 बजे तक गठर में पड़ा हुआ मिलता है, दारू पी के पड़ा हुआ रहता है। मुझे बताइए, सिगरेट लाइफ, गुप्त जीवन, 99.9% लोग बिना बाहर निकले मर जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, कैसी विडंबना है, कैसी मुसीबत है, कैसी मुसीबत है कि ऐसे हालात में पूरी दुनिया, मैं रिपीट करता हूं, पूरी दुनिया कैसी जिंदगी जी के मरती है। इसका नाम मैंने रखा है फ्रांसिस साइको। जी दोस्तों, आपको याद होगा कुछ 6-7-8 महीना पहले इसका नाम मैंने रखा था फ्रांसिस साइको। अब आपको बताता हूं कि फ्रांसिस साइको क्यों है, अब आपको बताता हूं कि ये साइको क्यों है। सबसे पहली बात, दूसरों की मिनिस्ट्री में तांग जा, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, दूसरे की क्या टीचिंग है, दूसरे का क्या प्रचार है, जितने लोग देख रहे हैं नीचे टाइप करना शुरू करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वापस कहता हूं, मेरी अगर बात समझ में आ रही है, नीचे टाइप करिए कि इसको अधिकार किसने दिया, ये दूसरों की मिनिस्ट्री में तांग झांक क्यों करता है। अब आप बोलोगे, डैनियल भाई ये साइको कैसे? तो स्ट्रेटजी है, मसीह कलीसिया को तोड़ने की जो साजिश है और जो उनका प्लान है उसको मैं एक्सपोज करने के लिए आया। एज अ क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट मेरा काम हमेशा यही रहे। ओके, अभी इसने क्या कहा? मसीह की कलीसिया को तोड़ने के लिए। कौन? मसीह मंथन। साथ ही साथ वो कैसी स्ट्रेटजी बना रहे? आपने देखा होगा इनके एग्जांपल्स को, इनके उदाहरणों को। प्रियो, ये उनके मोस्ट ऑफ द वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में उनका एक चीज रहता है और वह यह कहते हैं 99.9% मसीह लोग, 99.9% मसीह लोग। इसका मतलब है कि सब मसीह लोग, एक तो वो कहते हैं कि ये गलत बातों में है, एक तो ये कहते हैं कि वे पाप में है, एक तो ये कहते हैं कि गलत गलत चीजों से ये जुड़े हुए हैं, 99.9% लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि 99.9% इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट 100% लोग, सबके सब बेकार हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये दोष लगाने का काम नहीं हुआ तो ये कौन सा काम हुआ?
सैटन, SATAN, सैटन या शैतान, इसका मतलब होता है भाइयों पर दोष लगाने वाला। प्रियो, बाइबल कहता है कि सुनने वाले, जो आप प्रचार करते हो उन सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरना चाहिए, या वो अनुग्रह की बातें सुननी चाहिए, और आप दोष लगाने वाले बातें कहते हैं। आपके बहुत सारे स्टेटमेंट में आपका एक स्टेटमेंट होता है डंके की चोट पर, आपका स्टेटमेंट होता है छाती ठोक कर। ये किस प्रकार की परिभाषा आप इस्तेमाल करते हो, आप किस प्रकार के उदाहरणों को आप देते हो? आपके उदाहरण बहुत वियर्ड होते हैं, आपके उदाहरण बहुत हटके होते हैं, यानी दुनिया के बाहर के उदाहरण। ये उदाहरण संसारिक लोग देखते हैं, ये उदाहरण संसारिक लोग देते हैं, मसीह के लोग नहीं। आप जिस प्रकार ये बताने की कोशिश करते कि सब लोग गलत है और मैं अकेला ही सही हूं, उनके उदाहरण बहुत बहुत अलग होता है। वो बहुत सारे वीडियो में लोगों को मूर्ख कर कर कहते हैं, और उसी के वजह से इसका जो परिणाम है ये नए विश्वासी लोगों पर होता है। नए विश्वासी लोग भी सेवक लोगों को इस प्रकार की बातें कहते हैं, इनमें अधीनता नहीं रह गई है, ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग इस प्रकार की परिभाषा कहते हैं। इनको किसी ने सवाल किया या इन्होंने खुद ये सवाल उठाया कि आपको रेवलेशंस कौन देता है? ये कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनता हूं, मेरा जो रेवलेशंस है या प्रकाशन है वो सीधे परमेश्वर की ओर से आता है, और ये घिनौने घिनौने विषय पर बात करते हैं। आप सोच कर देखिएगा, ये घिनौने घिनौने चीज पर ये बात करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बाइबल के बाहर के एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स शारीरिक होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत बेकार होते हैं, और ये आज हर एक व्यक्ति लोगों को गलत ठहरा रहा है। आपने पहले की वीडियो में देखा, ये दुनिया के जितने भी पास्टर्स हैं उनसे कहता है कि उस व्यक्ति को एक कुछ तो करना चाहिए उस व्यक्ति को, या फिर उस व्यक्ति को रुकाना चाहिए। लेकिन आज ये तमाम पास्टरों का निंदा करते हैं, ये तमाम पास्टरों को गलत कहते हैं, ये तमाम पास्टर लोगों को नीचे गिराते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत गलत है। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, और वो है घमंड। प्रियो, आप उनका जितना भी वीडियोस देखोगे, उस वीडियो में आप एक चीज नहीं देख पाओगे, और वो है हम्बलनेस, वो है नम्रता। और जितने भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों में भी यही चीज दिखाई देती है कि उनमें कोई हम्बलनेस नहीं है, उनमें कोई नम्रता नहीं है। वो अपने इच्छा के मालिक हैं, जैसे चाहे वैसे व्यवहार करते हैं, जैसे चाहे बुरा भला कहते हैं। अब जब आप कमेंट्स में भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये लोग शैतान, मूर्ख और संसारिक तौर पर व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति भी उसी प्रकार का व्यवहार रखता है, उसी प्रकार का बातचीत रखता है। ये व्यक्ति पूरे घमंड से भरा हुआ है, इसलिए उनमें कोई हम्बलनेस नहीं है। प्रियो, जब आप यीशु मसीह की सेवा देखोगे, जब आप खरे शिक्षकों पर ध्यान दोगे, यीशु मसीह सबसे खरा शिक्षक है, उनमें थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार से गर्व या घमंड नहीं था। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अब कुछ लोग जो है कुछ उदाहरणों को इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह मंदिर में चले गया, उसने चाबुक लिया वगैरह वगैरह। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो घमंड बिल्कुल नहीं था, वो वहां पर परिवर्तन को लेकर आ रहे थे, वो घमंड नहीं था। और वो जगह जो है वो प्रार्थना का जगह नहीं था, वो व्यवसाय का स्थान बन चुका था। आज बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी दिक्कती है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ, उन सारे चीजों को हमें सुधारना है, बहुत सारे। हर एक मसीहों के जीवन में मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे जगहों पर, जैसे कि अगर 100% है तो वहां पर 10% समस्या है,
लेकिन यह व्यक्ति केवल 10% अच्छी बातें हैं और 90% गलत बातें हैं ऐसे कहते रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं 10% समस्या है और ये 10% समस्याओं को हमें निकालना है सॉल्यूशन बताते हुए, प्रॉब्लम बताते हुए नहीं, क्योंकि यह व्यक्ति पूरे गर्व और घमंड से भरा हुआ है। उसी के वजह से बहुत सारी समस्या और बहुत सारी दुविधा जो है इनके फॉलोवर्स में है और ये दूसरे मसीह लोगों को नीचे गिराकर बात करते हैं। ये कहते हैं कि दूसरों की कलीसिया में जाओ, दूसरों की कलीसिया में जो लोग है उनको आप खरा उपदेश दो इनके अनुसार। मैं आपको बताना चाहता हूँ खरा उपदेश जो है भाई, सबसे पहले आपको तो हम्बल बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि जो नम्र है वही अधिकारी होंगे परमेश्वर के राज्य में। अगर आप घमंड लेकर चलते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा चीज़ वो है कि आप नीचे गिर जाओगे। आप नीचे गिरने पर हो, आप खुद सवर जाओ, आप खुद सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी बातों को लेकर आ रहा है। आपने उन चीज़ों को शायद देखा भी नहीं है, आपको लगता है कुछ लोग 1,000-1,500 लोग आपके साथ में हैं तो शायद आप बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को घमंड में लेकर जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ घमंड के बाद गिरना निश्चित है, ऐसा वचन कहता है। इनमें घमंड भरा हुआ है, उसी की वजह से आपको इन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आप इनका प्रचार परिवार के साथ नहीं देख सकते, आप इनका प्रचार परिवार के साथ नहीं देख सकते। आइए ये वीडियो हम देखते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे। पास्टर डेनियल, ये विषय या ऐसे विषय आपको कौन देता है? मुझे ऐसे विषय मेरी बुद्धि नहीं देती। ओके, फिर प्रश्न उठता है कि आपको मैसेजेस देता कौन है? मुझे टॉपिक, मैसेजेस, विषय, प्रकाशन, एग्जाम्पल्स, स्क्रिप्चर्स, प्रकाशन, रेवलेशंस पवित्र आत्मा देता है। आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल को जो लिखा है पॉन वीडियोस एंड मी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा और ठीक सुना, पॉन वीडियो एंड मी, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं कई दिनों से आप सभी के बीच में बात करना चाह रहा था और आप सभी के बीच में रखने जा रहा था। दोस्तों, जहाँ तक मेरी नॉलेज इन कुछ 20 सालों में, जिसको आप 2 डेकेड से भी बोल सकते हैं, इन कुछ 20 सालों में शैतान ने 2 तरह के लोगों के बीच में अपनी खुराक, जिसको मैं कहूँगा पॉन वीडियोस, और साथ ही साथ मैं उसका खुराक कहूँगा किसका, शैतान का, 2 तरह के लोगों के बीच में उसने बड़ी तेज़ी से फैलाया है और उसने 2 तरह के लोगों को अपना शिकार बनाया है। दूसरे शब्दों में अपनी खुराक ये 2 तरह के लोगों को दी है, 1 मानव जात और दूसरा मसीह जात। मैं रिपीट करता हूँ, 1 मानव जात, दूसरा मसीह जात। मानव जात में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, यहूदी, अन्य लोग, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, पिछड़ी जाति, उच्च जाति, देसी, विदेशी, आदिवासी, सब आ गए इस खुराक से जिसका नाम है पॉन वीडियो एंड मी। इस खुराक से या इस शैतान के खुराक से, जाल से कोई नहीं बच पाया। तकरीबन 99.9% लोग इस खुराक के शिकार हो गए। मसीह जात मैंने क्यों कहा और जिसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन वीडियो छोटा होगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। मसीह जात मतलब विश्वासी, मतलब क्राइस्ट फॉलोवर, मतलब क्रिश्चियंस संसार के नज़रिए से। साथ ही साथ इसमें जो कैटेगरी है सेवकों की है, पास्टर्स जिसको कहते हैं, एवेंजलिस्ट जिसको कहते हैं, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट जिसको कहते हैं, परमेश्वर के दास और दासी जिसको कह सकते हैं, मेगा चर्चेस के सेवक जिसको कह सकते हैं, छोटी कलीसियाओं के सेवक जिसको कह सकते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि इस खुराक का शिकार ये तकरीबन लोग हो चुके हैं और बहुत कम परसेंट में, बहुत कम प्रतिशत में लोग जो हैं बचे हैं अभी भी, और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही वो बचे रहें।
अन्यथा काफी तादाद में, कई परसेंट में लोग इसके शिकार हो चुके हैं, जिसका नाम है पॉन वीडियोस एंड मी, जिसका मैंने नाम रखा है थंबनेल में, आपने पढ़ लिया होगा। इतना कॉमन है ना ये चीजें आजकल, सेक्स इतना कॉमन हो गया है आप सोच भी नहीं सकते। स्कूल में, कॉलेजेस में, सड़कों पर, शॉपिंग मॉल में, घर पर। मुझे किसी ने बोला, मैं ये बताकर खत्म कर देता हूं क्योंकि 9 बज गए हैं, मुझे किसी ने कहा, बोला पास्टर डैनियल ये सब बड़े बड़े शहरों में होता है, गांव में नहीं होता। मैंने बोला जितना जितना गंदा काम गांव में होता है ना, उससे उससे बड़ा तो और कहीं नहीं होता। बोला वो कैसे? मैंने कहा कि शहर में अगर आप कुछ भी करोगे ना तो फट से पता चल जाता है, क्योंकि शहर के लोग बहुत स्मार्ट हैं और सब चीज़ें सबकी नज़र रहती है, गाँव में किसको पता क्या कर रहे हैं आप। और मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने, मैं अभी सबकी गिनती एक साथ नहीं कर रहा हूँ, ये भी याद रखो, ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि बहू ससुर के साथ, ससुर बहू के साथ, देवर भाभी के साथ, भाभी देवर के साथ। अब आप सोचिए, गांव की बात कर रहा हूँ, पेड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, पहाड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, घर में सब बाहर गए, आप घर में अकेली, आप है ना, सोचिए आप। बाप रे, मैंने बीच में कहा था, मेरे को एक कॉल आया बहन का, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल मेरी गवाही अद्भुत है। मैंने बोला कैसे? वो कहती है कि मैं पहले अविश्वासी थी, मैंने प्रभु को जाना, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, हमारा डिवोर्स हो गया। मैंने बोला वो कैसे? वो कहता है कि जब मैं अविश्वासी थी, मेरा पति मुझे मेरे दोस्तों को मुझे सौंप रहा था कि जाकर आओ, इंजॉय करके आओ, दोस्तों को। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए किस लेवल तक। कोरोना वायरस के 4 कारण क्यों आया, मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं। मैंने उसमें कहा था, बॉस की मैडम यानी कि पत्नी ड्राइवर के साथ, सेक्रेटरी के साथ, अब सोचिए यहां तक कि बॉस मेड के साथ, जो नौकरानी है उनके साथ, अब आप सोच के देखिए लिफ्टमैन के साथ, वॉचमैन के साथ। कैन यू बिलीव दिस? स्कूल के बच्चे अपने प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के टीचर के साथ। प्रियो, मैंने पहले आपको बताया कि उनका जो परिभाषा या लैंग्वेज जो है वो किस प्रकार का है। फिर मैंने आपको बताया कि वो जो उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण सांसारिक उदाहरण रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यह व्यक्ति घमंड से किस प्रकार भरा हुआ है। अब जब मैंने आपसे कहा कि आप प्रचार, इनका जो प्रचार है इस समय का, आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, आपने वीडियोस देखा होगा वो किस प्रकार गलत गलत बातों का उपचार कर रहा है। प्रियो, अब कौन इनसे बातें करता है इस प्रकार, और ये किस प्रकार चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा प्रचार आप कैसे अपने बच्चों के साथ, अपने बहू के साथ, अपने जो परिवार है, इन लॉज है, उनके साथ बैठकर कैसे आप ये देख सकते हैं? इतना गंदी बात कैसे आप सुन सकते हैं? ऐसी बातें सुनने के बाद क्या आप अपने परिवार में एक दूसरे के साथ नजरें मिला सकते हैं? ये क्या ये परमेश्वर का प्रचार है? क्या यीशु ने इस प्रकार का प्रचार किया? प्रियो, आप देखो इन सभी चीजों को, देखो इन सारी बातों को कि किस प्रकार यह व्यक्ति लोगों के परिवारों में फूट लेकर आ रहा है और लोगों के मन में किस प्रकार की गलत बातों को लेकर आ रहा है। आप जितना ज्यादा इन चीजों के बारे में सुनोगे उतना ज्यादा आप इन चीजों में फंसोगे। बाइबल कहता है कि जहां पाप बहुत बढ़ जाता है वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि अनुग्रह में इतना सामर्थ है कि वो पाप की आदतों को तोड़ देता है। अनुग्रह के द्वारा पाप बढ़ता नहीं है, अनुग्रह के द्वारा पाप जो है पूरी तौर पर घट जाता है। लेकिन यह व्यक्ति के प्रचार के द्वारा पाप को मौका मिलता है कि लोगों के जीवन में प्रवेश कर अधिकार जमाने के लिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इन्हें अनफॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप बहुत बड़ी समस्या में फंसने पर हो, और आप फिर पछताओगे कि भाई मैंने पहले ही अगर बात मान लिया होता, अगर मैंने नहीं सुनता तो शायद ये सारी परेशानी और यह सारी दिक्कती नहीं होती। इसलिए आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें और उन्हें पूरी तौर पर ब्लॉक करें और उनके कोई भी वीडियोस को नहीं देखें। आप समस्या से बच जाओगे। आपको अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया की अधीनता में आना है ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा पाए। ये 5वां पॉइंट है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इनका बहुत सारा जो मुख्य स्टेटमेंट जो होता है, ये
वचन के खिलाफ होता है, बाइबल में नहीं होता है। आपको लगेगा कि अरे इन्होंने बहुत अच्छा रेवलेशन बताया, लेकिन वो वचन से नहीं होता है। ठीक है, आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं अभी और डंके की चोट पे करूंगा, ठीक है ना, छाती ठोक के करूंगा और वचन को रख के करूंगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बोलूंगा। जिसके पास में जिब्रिश है ना, अभी आपके हिसाब से ये वाला अन्य भाषा जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, तुम खुद नहीं जाओगे पहले। हाँ, क्यों? क्योंकि गलत स्पिरिट में हो और नहीं पता कि तुमको क्या करवा रही है वो गलत स्पिरिट। बहकते जा रहे हो, बिगड़ते जा रहे हो और न जाने क्या क्या। आई बस समझ में? अब इस वीडियो में आपने देखा कि यह कहते हैं कि यह साबित करने पर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, यह साबित करने पर है वचन से, कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। पूरे बाइबल में एक भी स्क्रिप्चर ये नहीं बताया, इन्होंने स्क्रिप्चर के पास गए भी नहीं, बस इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बस बोल दिया कि जो अन्य भाषा में, उनके अनुसार जिब्रिश, हमारे अनुसार स्वर्ग की भाषा, क्योंकि वो स्वर्ग से आई थी। अब आप मुझसे ये झगड़ते मत बैठो कि भाई स्वर्ग की भाषा बाइबल में कहां लिखा है, आप मुझे बताओ। पवित्र आत्मा का जो भाषा बाइबल में कहां पर लिखा है ये मत बताओ। मैंने आपसे पहले ही वीडियोस में कहा है कि स्वर्ग की भाषा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में स्वर्ग से नीचे उतरे थे, इसीलिए हम उन्हें उस भाषा को स्वर्ग की भाषा कहते हैं। लेकिन बात यह चल रहा है कि इन्होंने कहा कि मैं वचन से साबित करूंगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में साबित करूंगा कि जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। इन्होंने वचन कोट नहीं किया, और वचन में कहां लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, कहां पर लिखा है? प्रियो, इनके अनुसार आधे से ज्यादा बाइबल जो है ना, पौलुस ने केवल थट्टा करने के लिए या तो व्यंग कसने के लिए, अब ये शब्द कहां कहां से ढूंढ कर लेकर आते हैं, कौन से डिक्शनरी को पढ़ते हैं, ये इनको ही मालूम है। ये कहते रहते हैं नहीं, ये वचन ऐसे ही लिख दिया है, ये वचन ऐसे ही कहा है। किसी ने बीते दिन सवाल पूछा था ऑफरिंग को लेकर कि बाइबल कहता है कि सुसमाचार से, जो सुसमाचार सुनाने वाला है उसका जीविका चले गया, उसका परिवार चले गया, उसका जीवन चलेगा। तो इन्होंने उस स्क्रिप्चर को निकाल कर बताया कि देखो ये वो बात नहीं कर रहा है, ये बस मजाक कर रहा है वहां पर। आपके अनुसार 1 Corinthians 14:2 मजाक था, 1 Corinthians 13:1 मजाक था, आपके लिए सब चीजें मजाक है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मजाक मजाक में पौलुस ने कह दिया और पवित्र आत्मा ने उन चीजों को नोट कर लिया। मतलब इतना खेल कूदने का किताब है बाइबल, आपको ऐसे लगता है? आप इसके बारे में सोचें। और लास्ट जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, और वचन को रखकर ये बताएंगे कि जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उन्होंने वचन रखा ही नहीं। तो इससे आप जान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार लोगों को बहका रहा है और सच्चाई के मार्ग से भटका रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ऐसे प्रचारकों को फॉलो नहीं करें, क्योंकि ये आपको भरमा रहे हैं, बहुत देर हो जाएगी। प्रियो, इन्होंने जो भी अपने नाम पर आपसे पैसा लेकर प्रॉपर्टी बनाना है इन्होंने बना लिया। अब ये कहते हैं लोगों को पैसा मत दो, लेकिन ये मंथली सपोर्ट अपने लिए रेस कर रहे हैं। आप इन सभी बातों को नहीं जान पाओगे, लेकिन जब आपको यह चीज पता चलेगा तब बहुत देर हो गई रहेगी। हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बहुत करीब
रहे हुए लोग हैं प्रियो, इन चीजों को आप समझने का प्रयास करो। हम जितने भी हमारी टीम थी, कोई इनका साथ इसलिए नहीं देता है क्योंकि ये भ्रम में पड़ गए हैं। आप कल्पना कर देखें कि लगभग 10-15 लोग हम साथ में मिलकर बहुत सारी चीजों को करते थे। हम किसी के अंडर में या कोई हमारे अंडर में नहीं थे, लेकिन हम एज ए यूनिटी, भाई होने के नाई, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के नाई, हम सब साथ में आकर सेवा करते थे। और आज उनमें से कोई भी नहीं है, कुछ तो कारण रहेगा। इन चीजों को आप समझने का प्रयास करें। हमारा एक भाई बहक चुका है, शैतान ने उनको फंसा दिया है, उनके लिए प्रार्थना करना है प्रियो, उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर आप उनकी शिक्षाओं को अपने जिंदगी में, अपने परिवार में सुनते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी दुविधा में फंसने पर हो, आप पाप में गिरने पर हो, आप गलत बातों में गिरने पर हो, आपके जीवन में अपराध बढ़ने पर है, क्योंकि आप गलत व्यक्ति को सुन रहे हैं। आप सिन को सुन रहे हैं, सन को नहीं। आप पाप को सुन रहे हैं, पुत्र को नहीं। पुत्र को सुनो, प्रभु यीशु मसीह को सुनो, पाप को नहीं। जितना ज़्यादा आप पाप को सुनोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पाप बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान लगाओगे, वो चीज़ आपके जीवन पर बढ़ेगा। सो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं इस संदेश को ख़त्म करना चाहता हूँ। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मनों में आप कार्य करें, आपकी शांति उनके जीवन में हम कहते हैं प्रभु। जो गलत बातों में फंसे हुए हैं प्रभु, उन बंधनों को हम तोड़ते हैं। जो गलत शिक्षाओं में फंसे हैं प्रभु, उन बंधनों को हम तोड़ते हैं। परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना उनके जीवन में आप पूरी करें प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा, आपकी आज़ादी लोगों में कहते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने अपने आत्मा के द्वारा लोगों को बचाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। गलत राह से प्रभु जी मोड़ने के लिए उन्हें मदद और सहायता की आपने, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पूरी तौर पर सच्चाई की ओर मुड़े हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अंधकार इन पर प्रबल नहीं हो सकता। जो भी भ्रम में फंस गए थे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी उन गलत बातों को हम तोड़ते हैं प्रभु। आपका वचन इनके जीवन में कहते हैं, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। मैं वापस कहना चाहता हूँ, 5 बातें, उनका परिभाषा, उनका भाषा, उनके एग्जाम्पल्स, उनका घमंड। उन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह शुरू किया, सवाल जवाब का। आप देखो, जब लोग सवाल पूछते हैं, इनोसेंट लोग जब सवाल पूछते हैं, वो उनको बहुत अलग तौर पर रिप्लाई देते हैं। वो रिकमेंड करते हैं 50-50 अध्याय पढ़ने के लिए। क्या स्वयं वो 50 अध्याय पढ़ते हैं? बात यह है, क्या स्वयं वो 50 अध्याय पढ़ते हैं? इसलिए आपको उन्हें फॉलो नहीं करना। फिर मैंने कहा कि उनका जो प्रचार है, आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही घिनौने तौर पर बात करते हैं, बहुत ही गंदे तौर पर बात करते हैं। और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप नहीं सुन सकते। अगर आप वही प्रचार कोई गैर मसीह को भेज दोगे, तो वो आपको आके चाटा लगाएगा। अगर आप ये प्रचार गैर मसीह को भेजोगे, तो वो आकर आपको चाटा लगाएगा कि इस प्रकार का प्रचार कैसे आपने भेजा, क्योंकि वो किस प्रकार का संबंध किन लोगों के साथ जोड़ते हैं, बहुत बेकार। और फिर मैंने आपको कहा कि उनका जो स्टेटमेंट्स होता है, वो वचन आधारित नहीं होता है। तो इन चीज़ों को याद रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, अच्छे प्रचारक लोगों को सुने, और अपने लोकल चर्च में ज्वाइन रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।